नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 इसको सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसमें बताया है डी ई एंड एफ है दे आर द मिड पॉइंट्स। डी जो मिड पॉइंट है वो ए बी का है, ई इज द मिड पॉइंट इन बी सी एंड एफ इज द मिड पॉइंट इन ए सी। जो डी मिड पॉइंट है दैट मीन्स डी इज इक्वल टू डी बी, ई इज द मिड पॉइंट, बी इज इक्वल टू ई सी एंड एफ इज द मिड पॉइंट, एफ सी इज इक्वल टू एफ ए। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ए बी सी। हमें इनकी रेशियो पता करनी है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल, एरियाज की रेशियो पता करनी है डी ई एफ की और ए बी सी का। सोल्यूशन, अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। नाउ हमें दिया हुआ है डी ई एंड एफ, डी ई एफ है, दे आर मिड पॉइंट्स, ये जो है हमारे मिड पॉइंट्स हैं ऑफ ए बी, दिस इज बी सी एंड सी ए, ए बी में, बी सी में और सी ए में ये आर दिस आर द मिड पॉइंट्स। ओके, नाउ वी कैन से दिस डी एफ, जो डी एफ है दैट इज पैरेलल टू बी सी and also DF is equal to half of BC. Why? Because the a line, क्योंकि ये criteria है एक line joining, कोई भी एक line joining the midpoints of two sides of a triangle. कोई भी एक लाइन है वो किसी भी एक ट्रायंगल में दो साइड्स को ज्वाइन कर रही हैं, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हैं, दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हैं, देन दैट लाइन वो ट्रायंगल, देन दैट लाइन इज पैरेलल, उसके पैरेलल होती है एंड हाफ ऑफ इट, हाफ ऑफ थर्ड साइड, सॉरी दिस इज थर्ड साइड, पैरल टू द थर्ड साइड, ए लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, दैट लाइन इज पैरल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। वो जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरल होगी और उसके हाफ हो गई। ओके, देयरफॉर जो डी एफ है जो वो बी सी के पैरल हो जाएगा एंड बी सी के हाफ हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन से दैट डी ई, जो डी है वो मिड पॉइंट ए बी का है, ई इज अ मिड पॉइंट इन बी सी, जो डी ई है वो हाफ ऑफ ए सी एंड पैरेलल टू ए सी, डी ई इज पैरेलल टू ए सी एंड डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। पहले हमने किया था डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल लिखा था एंड डी एफ इज हाफ ऑफ बी सी एंड नाउ डी ई इज हाफ ऑफ ए सी एंड डी ई इज पैरेलल टू ए सी। नाउ वी कैन से अब हमने डी एफ है जो वो बी सी के पैरेलल लिखा है, तो डी एफ है जो ई सी के पैरेलल हो गया, जो बी सी के पैरेलल है तो ई सी के पैरेलल हो गया। सिमिलरली जो डी ई है वो ए सी के पैरेलल है तो दैट मीन्स एफ सी के भी पैरेलल है। ओके, नाउ वी कैन से दैट डी एफ इज पैरेलल टू ई सी एंड डी एफ ई इज पैरेलल टू एफ सी। नाउ इस फिगर में डी ई सी एफ में और वी कैन से डी एफ सी ई या डी ई सी एफ में ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हो गई हैं, देयरफॉर वी कैन से डी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से डी ई एफ सी, डी ई सी एफ, डी ई सी एफ ये क्या बन गया हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया है। नाउ इस पैरेललोग्राम में एंगल डी, दिस एंगल, एंगल डी ई डी एफ, एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ बिकॉज ऑपोजिट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स जो पैरेललोग्राम के हैं वो इक्वल हैं, सो देयरफॉर एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ, और वी कैन से एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू दिस ई डी एफ इज इक्वल टू बी सी ए, सेम एंगल है बी सी ए, एंगल बी सी ए ये हमारा थर्ड हो गया। नाउ सिमिलरली हम देखें
this DE is parallel to AC and half of AC, जो हमने लिखा है DE is parallel to AC and DE is half of AC. Similarly जो EF है वो भी हमारा parallel to AB. EF is parallel to AB. This EF is parallel to AB and half of EF is equal to half of AB. Okay. Now similarly मतलब हमारा ये प्रूफ हो गया DE जो है वो AB AC के पैरेलल है. That means DE is parallel to AF and EF जो है वो AB के पैरेलल है. That means EF is parallel to AD. अगर DE है DE जो है हमारा AC के पैरेलल है तो वो AF के पैरेलल भी होगा. हमने हाफ ले लिया इसका. DE is parallel to AE and EF is parallel to AB. That is EF is parallel to AD. So DEF हमारा क्या बन जाएगा इस यहाँ पे डी ई एफ ए विल बी हमारा जो बन गया एक पैरेललोग्राम बन गया. ओके नाउ डी ई एफ ए इसमें दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल डी ई एफ एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल डी ए एफ डी ए एफ. अब डी एफ को हम लिख सकते हैं बी ए सी सेम एंगल है बी ए सी दैट इज डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल बी ए सी. ओके नाउ अब हम देखें इन ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू डी ए एफ डी ई एफ इज इक्वल टू डी ए एफ ये बिकॉज ऑपोजिट साइड जो है हमारे पैरेललोग्राम के इक्वल ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं. अब हम देखें इन ट्राइंगल ए डी ई सॉरी ए डी एफ इन ट्राइंगल ए डी नो सॉरी दिस इज ट्राइंगल डी ई एफ सॉरी डी ई एफ एंड ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी दिस ट्राइंगल डी ई एफ एंड ए बी सी इसमें देखें एंगल डी ई एफ दिस एंगल ट्राइंगल डी ई एफ में जो है एंगल डी ई एफ एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू द एंगल बी ए सी एंगल बी ए सी ये हमने ऊपर प्रूफ किया है. दिस इज फोर्थ ये ले सकते हैं प्रूव्ड इन फोर्थ. ओके इसके इक्वल हो गया है. नाउ एंगल ई डी एफ एंगल ई डी एफ डी ई एफ ट्राइंगल में एंगल ई डी एफ दिस एंगल इज इक्वल टू बी सी ए इसका एंगल ई ई डी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी ए ई डी एफ इक्वल टू बी सी ए ये हमने ऊपर किया है प्रूव्ड इन थर्ड. ओके नाउ दिस ट्राइंगल में डी ई एफ में ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल दी एंगल जो हमने ए बी सी का लिया है ट्राइंगल ए बी सी का लिया है और दिस एंगल एंगल डी ई एफ ये एंगल है इसके इक्वल है जो हमने एंगल बी ए सी जो बी ए सी एंगल है वो ए बी सी का लिया है. Therefore, we can say triangle DEF is similar to triangle ABC by AA rule. Triangle DEF is similar to triangle ABC. इसका ये इक्वल हो गया है ट्राइंगल ओके बाय AA rule. Now, according to theorem जो है According to theorem 6.6, अगर हम 6.6 theorem देखें उसमें according to 6.6 theorem, if two triangles are similar, अगर दो भी दो triangles हैं if they are similar, then the ratio of the areas of two similar triangles will be equal to the square of the ratio of the proportional sides. Okay, मतलब जो इसका एरिया होगा एरिया एंगल एंगल ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ टू रेशियो ऑफ एरिया
ए बी सी विल बी इक्वल टू दी, इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा डी रेशियो ऑफ टू डी ई टू ए सी, डी ई टू ए सी के इसके स्क्वायर साइड्स के जो रेशोज हैं इसके स्क्वायर के बराबर है इसका एरिया का जो रेशोज है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स विल बी इक्वल टू दी स्क्वायर ऑफ दी रेशियो ऑफ दी प्रोपोर्शनल साइड्स, ये हमें थ्योरम में 6.6 में दिया हुआ है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ टू ए बी सी, यहां लिखें दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल टू डी ई एफ टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका क्या डी ई एफ, दिस डी ई एफ एंड दिस इज ए बी सी, सेम फिगर है पीछे वाली। नाउ इसका जो रेशियो हमने बताया था डी ई डिवाइडेड बाय ए सी, मैंने पीछे लिखा था डी मॉन ए सी इसका स्क्वायर, डी अपॉन ए सी का जो हो गया स्क्वायर हो गया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू डी ई, दिस डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, और वी कैन से ए सी इज इक्वल टू टू डी ई, जो डी ई है वो ए सी का हाफ है, या फिर ए सी इज इक्वल टू टू डी ई हो गया हमारा। सो डी ई डिवाइडेड बाई ए सी को हम लिखेंगे डेट इज टू डी ई स्क्वायर हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू जो दिस इज डी, डी डी हमारे कट जाएंगे दैट इज हाफ हो गया, हाफ का स्क्वायर हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज ए बी सी इज इक्वल टू 1.22 या 4 1.4। सो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसमें हमारे पूछा गया था फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ए बी सी, इसकी रेशियो जो हमारी है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल टू डी एफ टू ए बी सी क्या आ गई 1.4 इसकी जो रेशियो आ गई है। नाउ दिस सम हैज बीन सॉल्वड, आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए सो दैट वी कैन अगेन मेक द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।